बेफिकर आजा इधर बीच पे। 1 2 3 4 get on the dance floor. मी संजीव, वेलकम बैक टू अस कमिक्स। दोस्तों, प्रीव्यू में जिस तरह का वीडियो दिखाया, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी मेटेरियल का मैं यूज किया हूँ सारा कुछ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग फर्स्ट टर्बो हिपन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टैप टू कनेक्ट करना है। उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखो, फर्स्ट काम आप लोगों को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टेस्ट करना है। यहाँ पर गाइस एक आप लोगों को 11 सेकंड का वीडियो मैं फर्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड कर लीजिए। लास्ट में देखिए एंडिंग वाला पोर्शन रहेगा, इसको आप लोगों को टच करें एंड डिलीट के आइकन पर डिलीट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग ऐड ऑडियो जो है इस पर एक बार क्लिक करें, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लीजिए। अब गाइस एक 18 सेकंड का वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड करते हैं। देखिए ऑडियो जो है नीचे ऐड हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है गाइज, यहाँ पर आप लोगों को 14 फोटो सिलेक्ट करना है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो फोटो सिलेक्ट करने के लिए देखिए साइड में एक प्लस का आइकॉन है, इस पर एक बार क्लिक करें, फोटोज में जाएं। यहाँ पर गाइज आप लोग 14 फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने 14 फोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब ऐड पर क्लिक करते आप लोग देख सकते हो सभी फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइज आप लोग अगर फोटो इस तरह से छोटा हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों फिंगर से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा जूम करके। ठीक है, तो यहाँ पर सभी फोटो फुल स्क्रीन में है, तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई सा भी फोटो इस तरह से छोटा हो रहा है तो दोनों फिंगर से इस तरह से जूम करके फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। अब गाइज आप लोगों को सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट करना है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज। हर एक फोटो का ड्यूरेशन आप लोगों को सिर्फ 0.5 सेकंड करके करना है। देखिए फर्स्ट फोटो 0.5 सेकंड हो चुका है, सेकंड फोटो को 0.5 सेकंड हो चुका है, थर्ड फोटो को भी मैंने 0.5 सेकंड कर लिया हूँ। इस तरह से गाइज आप लोगों को लास्ट तक सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.5 सेकंड करके कर लेना है। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी फोटो को 0.5 सेकंड करके कर लिया हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.5 सेकंड करके कर लीजिएगा। अब गाइज आप लोग क्या करना है, दोनों फोटो के बीच में देखिए एक बॉक्स है व्हाइट कलर का, इस पर आप लोगों को एक बार टच करना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड करते यहाँ पर ब्लेंच करके एक इफेक्ट मिलेगा, उसको ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ब्लेंच है, इसको ऐड कर लीजिए। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पर हर एक फोटो के बीच में देखिए इस तरह से फ्लैश इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इतना तक होने के बाद गाइज आप लोगों को फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आना है। आने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एफेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज, तो एफेक्ट पे क्लिक करने से पहले आप लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हो सही फोटो में। तो एनिमेशन ऐड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, फोटो पे क्लिक करें, यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करें, उसके बाद कॉम्बो पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर कॉम्बो है, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर गाइज हर एक फोटो में आप लोग को जूम वन एनिमेशन को ऐड करना है। देखिए यहाँ पर जूम वन है, इसको ऐड कर लीजिए। सेकंड फोटो पर क्लिक करें, जूम वन पर क्लिक करें, थर्ड फोटो पर क्लिक करें, जूम वन पर क्लिक करें। तो इस तरह से गाइज फोटो पर क्लिक करने के बाद जूम वन पर क्लिक करना है। तो आप लोग को ये प्रोसेस लास्ट तक कर लेना है। तो ये प्रोसेस जो है मैं कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी फोटो में जूम वन एनिमेशन को ऐड कर लिया हूँ। अब गाइज आप लोग क्या करना है, फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे आना है। उसके बाद एफेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करें। आप लोग को फर्स्ट यहाँ पर देखिए पार्टी पे चले जाना है। यहाँ पर थर्ड में स्ट्रोब करके एक मिलेगा, इसको आप लोग को ऐड करना है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कारण ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थर्ड में स्ट्रोब करके इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद गाइज आप लोग इसको खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को और एक इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है गाइज, आप लोगों को फिर से एक बार बैक आइए, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करें, आप लोग बेसिक पे टच करना है। बेसिक पे टच करने के बाद गाइज सेक को टच कर लीजिए एंड इसको खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा सेक हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर एडजस्ट में जाइए, जाने के बाद दोनों को ही 10 या 11 करके कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो देख सकते हो इस तरह से आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑडियो के बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सीधा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।